नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आप लोगों के समक्ष मैं हिस्ट्री का यानी इतिहास का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप सभी बहुत सारे कमेंट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर पूरा मॉडल पेपर बताइए पिछले साल का, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं और आप लोगों के समक्ष मैं पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं कि छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है और इनके लिए सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और आपको ये भी बता दूँ, पूरे यूट्यूब पर जो भी BA या फिर BSc या BCom की जो भी तैयारी कराते हैं, सिर्फ आप लोगों को, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, मेरा अपना ही एक चैनल है, आप लोग का यही एक चैनल है सक्सेस टू यू, जहां पर पूरे के पूरे मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं पिछले साल के, देख लीजिए आप लोग, जिससे आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई सालों के ही मॉडल पेपर मिला के नया प्रश्न पत्र यानी कि नया क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, तब आप लोगों की परीक्षा होती है। इस बार वैसे ही नियम है, आप सभी को मालूम है। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन से ज़्यादा आने के चांस है इस बार वीडियो में, वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो आपको मैं 80% गारंटी दूंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो में, ठीक है, लगभग ठीक है। तो वीडियो को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूं आधी अधूरी रह जाती है, आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो पूरी देखता रहिएगा, ठीक है। BA के जो भी छात्र हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हालांकि आप लोग जहां पर लिखित परीक्षा होने वाली है फर्स्ट ईयर में, वो वीडियो को सुन लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर भी लिखित परीक्षाएं होने वाली है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आप लोग को हम पूरा का पूरा दिखाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा है हिस्ट्री, उसके बाद पेपर देख लीजिए, ओके, उसके बाद कितने घंटे का टाइम मिलेगा और कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने प्रकार के पूछे जाएंगे, सारी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए 100 नंबर का पेपर होगा इस बार, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, तो आप लोगों को 25 नंबर जो हैं वो आप लोगों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिलेंगे, 75 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अति लघु उत्तरे आएंगे, कुछ लघु उत्तरे आएंगे, कुछ विस्तृत उत्तरे आएंगे, और आप लोगों को मालूम है कि अति लघु उत्तरे जो प्रश्न है उनका आंसर आप लोगों को 50 शब्दों में देना है, और जो लघु उत्तरे प्रश्न है उनको 250 में देना है, और जो विस्तृत उत्तरे हैं वो आप लोगों को 300 से 500 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग नियम कानून है। तो बिना देरी के हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम बताएंगे कौन से आपके एग्जाम में आने के चांस है। तो खंड आ की ओर बढ़ेंगे जिसमें अति लघु उत्तरे क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उपनिषद के बारे में आप क्या समझते हैं, या व्हाट डू यू नो अबाउट द, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, अगर जो छात्र इंग्लिश में अगर देखना चाहे तो क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम इंग्लिश ही हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी के ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो इसको समझ सके, ठीक है। लिखा है कि उपनिषद के बारे में क्या जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताएंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। नवपाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की सूची दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सप्त संदेह प्रदेश की 7 नदियों के नाम लिखिए, ओके। अगला क्वेश्चन है कि तीर्थाकर से आप क्या समझते हैं जैन धर्म से, ठीक है, तीर्थांकर से आप क्या समझते हैं जैन धर्म में कितने तीर्थांकर हुए, ओके। अगला क्वेश्चन है कि संगम का अर्थ समझाइए, आर्यभट्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि रुद्रदामन कौन था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि उस अभिलेख का नाम लिखिए जिस पर समुद्रगुप्त की दिग्विजय मिलती है, इस अभिलेखा को किसने लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि, ठीक है, चालुक्य युग के कितने कला केंद्रों का नाम लिखिए, ठीक है, चालुक्य युग के 3 कला केंद्रों के नाम लिखने। अगला इसी में त्रिराज्य संघर्ष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरे के, अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आपके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं कौन से क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो टिक करूँगा वो आप जरूर देखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आप लोगों को अपने सीरीज में या फिर इंटरनेट पर तो मिल ही जाएंगे, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बता दूँ आप लोगों को कमेंट भी आते सर क्वेश्चन बता दीजिए, आंसर हम खुद ही निकाल लेंगे, तो आंसर ढूंढेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIMP, ये पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में, उपनिषद के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट मोस्ट है। अगला है कि नवपाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की सूची दीजिए, तो नवपाषाण काल में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस है। देखिए कहीं कहीं यूनिवर्सिटियों में हिस्ट्री के यानी कि सारे सब्जेक्ट जितने भी होते हैं हिंदी इंग्लिश और हिस्ट्री और सोशोलॉजी सबके दो दो पेपर होते हैं, कई यूनिवर्सिटियों में दोनों को मिक्स होता है एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर दो पेपर होते हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है इसका, हिस्ट्री का सेकेंड पेपर भी हम आप लोगों को बताएंगे उसमें भी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले आप फर्स्ट देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
सत्यसंधु प्रदेश की सात नदियों के नाम लिखिए। हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। इसका आंसर कोई ज़्यादा लंबा है नहीं, दो ही नंबर के क्वेश्चन है, ज़्यादा आंसर आप लोगों को लॉन्ग में लिखना नहीं है। ये क्वेश्चन तीर्थांक, ठीक है, तीर्थांकर से आप क्या समझते हैं जैन धर्म, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 99% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीर्थांकर से आप क्या समझते हैं, या फिर इससे तीर्थांकर या जैन धर्म से संबंधित आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो पूरा का पूरा जैन धर्म और तीर्थांकर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 5, 6, 7, 8 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अगला है कि संगम क्या अर्थ है, इसको आप लोग ना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है कि आर्यभट्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, इसे हम क्रॉस कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। ये भी है, रुद्रा दामन कौन था, ये भी नो है, इसको भी एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस अभिलेखा का नाम बताइए जिस पर समुद्रगुप्त, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में आप पूरा का पूरा इनका हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आएगा 100% है। अगला है कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना नहीं, अगर पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये त्रिराज्य संघर्ष से आपका मतलब, इसको भी पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अति लघुत्तर में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, उतने पढ़ लीजिएगा और अपने सीरीज से, या फिर और अगर मॉडल पेपर आपको मिल रहा है तो उसमें से पढ़ लीजिएगा, जितने मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए इतने ज़्यादा हैं एग्जाम में आपके आने के चांस, ठीक है, ज़्यादा है, ओके। अगला प्रश्न है यानी कि खंडबा में, यानी लघुत्तर बेस के क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में पुरातात्विक स्रोत के महत्व का निरीक्षण कीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आप लोग हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं 100% कह दे रहा हूँ यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लघु उत्तर या फिर विस्तृत उत्तर में 100% आएगा, पढ़ लीजिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। इसके महत्व या उसके जो भी क्वेश्चन आए पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में, मोस्ट है। अगला इसी में प्रश्न आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट है कि भारत की, ठीक है, ताम्रपाषाण संस्कृत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त लेख लिखिए, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको आप लोग ना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है कि पुरुषार्थ से आप पर निबंध लिखिए, पुरुषार्थ पर निबंध लिखना, ये मैं पिछले बार जब क्लासेज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रहा था हफ्ते दो हफ्ते पहले, तो हिस्ट्री की बहुत सारे क्लासेज मैंने भी ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था शायद पुरुषार्थ के बारे में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली का परिचय दीजिए, इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप लोग पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो क्रॉस कर दूंगा मैं, इतना इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार में नारी का स्थान निर्धारित कीजिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा, प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार के बारे में और नारी का स्थान निर्धारित कीजिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, एम लिख के IMP लिख देंगे, ठीक है, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि वर्ण व्यवस्था में होने वाले बदलाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो मोस्ट नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट कहेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। इसका अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासन का क्या स्वरूप है, हड़प्पा से संबंधित आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो चाहे अति लघुत्तर हो, चाहे विस्तृत उत्तर हुए, चाहे लघुत्तर में आए, 100% आएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हड़प्पा सभ्यता की कब से प्रारंभ हुआ, क्या है, ठीक है, इसकी पूरी की पूरी आप लोग जो लेख है, जो इसकी टिप्पणी है, या फिर आप लोग का जो परिचय है, हिस्ट्री है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप एग्जाम देकर जब आएंगे तो खुद ही बोलेंगे सर आपने जो बताया था वही सारे क्वेश्चन आए, आप लोग देख लीजिएगा चाहे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कला के क्षेत्र में, ठीक है, पल्लवों के योगदान पर रेखांकित कीजिए, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट कहेंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा फिलहाल, ठीक है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट कहेंगे, ठीक है। लिखा है कि अरब आक्रमण पर संक्षिप्त लिख लिखिए, इतना भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम क्रॉस करा देंगे, ठीक है। अगला पार्ट सी आ जाता है, यानी कि विस्तृत उत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो देखते हैं, खंडसा में पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आप लोगों को मालूम है कि क्वेश्चन तो कही रहे थे लेकिन शायद आप लोगों को 2 ही से 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है बस, तो इसमें क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए खुद ही, आप लोग हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ
की विवेचना कीजिए और इसके नगरीय स्वरूप पर प्रकाश डालिए। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके मुख्य विशेष क्या है, इसमें विशेषताएं उसके बारे में चर्चा करनी, विवेचना करनी है और इसके नगरीय स्वरूप पर यानी कि इसके नगर में इसका क्या प्रभाव था और इसके क्या क्या मतलब कि आप लोग को इस यानी कि जो इसके प्रभाव थे या फिर इसके जो मेन मुख्य ठीक है रीजन था, कारण था, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, ये याद रखिएगा ठीक है। ये विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है तो कम से कम 300 से ऊपर ही, 300 से 500 के बीच में आप लोग आंसर लिखेंगे, यानी कम से कम फिर 3 से 4 पेज में, तभी पूरे मार्क्स एग्जामिनर आपको देने वाला है, ऐसे नहीं देगा ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण एवं महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन टॉप लेवल का है, टॉप लेवल का है, पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का आएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ पक्का आएगा आपकी परीक्षा में। आप लोग परीक्षा दे के आइएगा तब बताइएगा कि सर हाँ ये क्वेश्चन आया था, अगर ना आएगा तब आप लोग बताइएगा सिर्फ आप जो बताते हो तो आता ही नहीं, ऐसे बोल दीजिएगा ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित और महात्मा बुद्ध जी से संबंधित क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित ठीक है और महात्मा बुद्ध से जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये पक्का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर 10 साल से परीक्षाएं हो रही हैं तो ये क्वेश्चन 16 से 17 बार पूछा गया है, 16 से 17 बार एग्जाम में पूछा गया है और फिर इस बार पूछा जा रहा है। तो पढ़ लीजिएगा कि भारतीय इतिहास काल में गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया जाता है या फिर कहा गया है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। जैसे आप डालेंगे आपको आंसर गूगल के आगे सामने पूरा आ जाएगा, बस आप लोगों को स्टोरी की तरह पढ़नी है क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी की परीक्षाएं होने वाली हैं तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, बस कहानी की तरह इसका आंसर पढ़िएगा, वो उसी तरह आप लोग अपने माइंड सेट में अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, पक्का आपके एग्जाम में आएगा ठीक है। ये क्वेश्चन मैं टिक कर दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है आएगा ओके। अगला है कि मौर्य प्रशासन पर एक लेख लिखिए, तो इसकी तो मैं गारंटी नहीं लूँगा लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत ठीक है। एक लेख लिखना है मौर्य प्रशासन के बारे में ठीक है, जैसे कि आप लोग मांगो चंद्रगुप्त मौर्य उनके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा, तो मौर्य जैसे आप चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो मौर्य समाज या फिर मौर्य प्रशासन से संबंधित आप लोगों को खुद ही जानकारी मिल जाएगी ठीक है। अगला है कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, ये मोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है ना भी आ सकता है, तो एक काम करिएगा आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा तो आपको टाइम नहीं देना है, बस आप लोग लीजिएगा डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन, ये क्वेश्चन गूगल पे डाल लीजिएगा इन हिंदी, तो क्वेश्चन का आंसर जो हिंदी में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन और उसके जो आंसर है वो पढ़ लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम में जो इसमें मिलता है वो ज़्यादा आने के चांस है, जो मैंने इंपॉर्टेंट किया उसके तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ लेकिन आने के चांस बन सकते हैं। तो जो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहे हैं उसमें से 80% से 90% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये आप परीक्षा देने के बाद खुद समझ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय बेस के और विस्तृत उत्तरीय बताए वो पढ़ के जरूर जाएगा, इस सारे क्वेश्चन का आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा उत्तर पुस्तक अपने उसमें कॉपी पेन पे कॉपी पे, उसके बाद इसका आंसर सर्च कर लीजिएगा चाहे जहाँ पे, और आप लोग कहेंगे तो ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा या फिर व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा ग्रुप पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइएगा। और कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, फुल मॉडल पेपर, वो हम तक बताइए, हम आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, सभी का हम ध्यान रखते हैं, बस आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितनी आप लोगों के लिए स्ट्रगल या फिर कहता आप लोग कितनी मेहनत कर रहा हूँ कि मॉडल पेपर आप लोगों को पर डे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा कोई चैनल नहीं जो इस प्रोवाइड कर रहा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।